धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज भारत भ्रमण के दौरान हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कई मुद्दों पर बात की। साथ ही देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। इस मौके पर बीजेपी नेता विशाल गर्ग भी मौजूद रहे। हरिद्वार से महेश पवार की रिपोर्ट। विगत दो वर्ष पहले उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार द्वारा जिस समय की जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत, उनके द्वारा एक एक्ट बनाया गया जिसको कुछ समय बाद देवस्थानम बोर्ड नाम दिया गया। उसके बाद विषम परिस्थितियां बनती गई और बाद में गंगोत्री के कपाट खुलने के लिए आए। हम लोगों के बीच में भी विषम द्वंद्व सा था मन में कि कैसे कपाट खोलें, क्या हों। कोरोना जैसे महामारी का एक बड़ा मंडरा रहा था। कुछ लोगों का ये हुआ कि कपाट खुलना चाहिए, कुछ लोगों का कहना हुआ कपाट नहीं खुलने चाहिए। आज भी उत्तराखंड में जो देवी देवता हैं वो जागृत अवस्था में हैं। जब कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम लोग जाके उनसे डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं कि महाराज अब कैसे होगा आगे का कार्यक्रम। तो गंगोत्री के कपाट खुलने से पहले चैत्र की जो अष्टमी होती है उस दिन एक गुप्त पूजा होती है। हम वहाँ गए, जबकि उत्तराखंड सरकार से हमारी नई बात हुई तो हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी से बात करी फ़ोन के माध्यम से और हमने उनको कहा कि लॉकडाउन चल रहा है, पूरा प्रतिबंध है, पर लेकिन गंगोत्री के कपाट खुलने ये हमारी धार्मिक आस्था है और मुझे इसके लिए निकलना पड़ेगा। मैं पूरा भारत भ्रमण करके वापस हरिद्वार लौट चुका था उस दिनों।